हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो पार्ट्स इसके अंदर, अगर आप देखिएगा इस पार्ट में तो इधर होगा इलेक्ट्रो, इधर क्या है आपका केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रो का मतलब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल, देखते हैं इलेक्ट्रिकल हो गया और केमिस्ट्री केमिकल हो गया, तो केमिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इसमें एनर्जी अगर आप जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होगा केमिकल एनर्जी। तो इसके अंदर हमें पढ़ेंगे इस एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। तो जैसे इसके अंदर आप बैटरी का, हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं या कैमरा यूज़ करते हैं या फिर आप जो घर में इन्वर्टर यूज़ करते हैं उसके अंदर जो बैटरी होता है, या बहुत सारा आजकल इलेक्ट्रिक कार आ गया है, बहुत सारा चीज़ आ गया है, बहुत सारी जगह हम बैटरी का यूज़ करते हैं। तो हर जगह आपका जो है बैटरी क्या करता है, ये क्या करता है कि आपका जो है जो उसके अंदर केमिकल होता है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। इलेक्ट्रिक कार कैसे चलता है, वो इलेक्ट्रिकल जो केमिकल एनर्जी बैटरी को क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। या हमारा मोबाइल कैसे यूज होता है, जो हमारा बैटरी है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। या हमारे घर में जो बैटरी है लगा हुआ, जब लाइन कटती है तो क्या इन्वर्टर कैसे काम करता है, वो क्या हो केमिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारा इसका यूज़ है, ठीक है। तो ये करता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी और बहुत सारा आजकल देखिए ऐसे क्या है, इसके अंदर जो देखेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जैसे आप गोल्ड वगैरह सब आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी सब लेडीज आजकल पहनती है, या कोई चीज़ के ऊपर दूसरा लेप चढ़ाते हैं, या रस्टिंग को कम करने के लिए कोई लेप चढ़ाते हैं। तो जो गोल्ड का जो देखते आर्टिफिशियल गोल्ड का जमाना आया, तो उसमें क्या होता है कि गोल्ड एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, उसको प्लेटिंग कर दिया जाता है, जिससे गोल्ड की तरह लगा है, गोल्ड का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कितना यूज़ है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये इसमें कन्वर्ट। अगर हम बैटरी की एग्जाम्पल लें, दोनों को समझने के लिए बैटरी ही ले लेते हैं। बैटरी में क्या होता है, हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अगर हम चार्जिंग करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। समझने के लिए वैसे ही बैटरी का हमारा केमिकल एनर्जी है, अगर इसमें क्या होता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इसमें जल्दी क्या है हम समझने के लिए कि ये हम बैटरी को बैटरी से दोनों को आगे समझें, तो बैटरी का हमारा क्या करता है, उसके अंदर केमिकल रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसको अगर चार्ज करते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इससे हम समझेंगे, देखिए अब जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो अपने आप होते रहता है, लेकिन हमको चार्जिंग के लिए क्या होता है, प्लग लगाना पड़ता है, तब फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको क्या करता है केमिकल में कन्वर्ट करता है। तो इस हिसाब से होता है, यानी कि एक है कि जो अपने आप हो रहा है, एक में कहीं ना कहीं है वो क्या हो रहा है, फोर्स लगाना है, बाहरी फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, या बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है तब होता है। जो अपने आप होता है तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो एक होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो केमिकल एनर्जी होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस होगा, और इलेक्ट्रिकल से केमिकल कन्वर्ट करेंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब ये है क्या स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, देखिए स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो अपने आप रिएक्शन होता है, जैसे क्या है पानी का ऊपर से नीचे गिरना, ठीक है, या फिर अब पानी आप ज़मीन पर छोड़ दीजिए तो अपने आप नीचे की तरफ बहते रहेगा, या कोई रिएक्शन है आप जो अपने आप होता हो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन अपने आप होता हो, कहीं कहीं हमको स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है कि बाहर से एनर्जी भी सप्लाई करना पड़ जाता है, जैसे क्या है मोमबत्ती में अगर आग जला देंगे तो मोम जलते रह जाएगा, लेकिन पहले हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, या लकड़ी में हम आग लगा दें तो अपने आप जलते चले जाएगा, या हम बर्फ़ का टुकड़ा अगर हम घर में रख दें तो अपने आप पिघलते रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, कहीं हम इलेक्ट्रिकल फोर्स या मैकेनिकल फोर्स है, या कहीं पानी जो जैसे है गिरता है उसी पानी को ऊपर डालना है तो हमको क्या है मैकेनिकल फोर्स लगा कर फिर ऊपर डालना पड़ता है। तो कहीं एनर्जी के द्वारा कहीं मैकेनिकल फोर्स के द्वारा हम स्पॉन्टेनियस है, वो स्पॉन्टेनियस क्या अपने आप हो रहा है,
हमको उसको नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बनाना है के लिए हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी लगाना पड़ता है। जैसे मोम का एग्जांपल दिए, मोम में आग लगाएंगे तो अपने आप जलने लगेगा, या लकड़ी में आग जलाएंगे तो अपने आप, या बर्फ़ पिघलना अपने आप लगे। उसके लिए बर्फ़ का एक टेम्परेचर देते हैं रूम में, हमारा क्या होता है एक टेम्परेचर होता है जिससे वो पिघलना शुरू हो जाता है। फिर है या हम पानी को हम वो क्या किए, हम छत पर चढ़ाए या कहीं पानी को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं मैकेनिकल फोर्स डालते हैं, तो स्पॉन्टेनियस हमें अपने आप होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस में कहीं एनर्जी या आम बाहर एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना पड़ेगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो अगर हम कहेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, तो ये फिजिकल ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें हमको डील करना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यही इसके अंदर हम पढ़ते हैं। वैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इस फेनोमेना को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। यानी कोई कहे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with conversion of electrical energy to chemical energy and vice versa। ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि अब हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, जो रिएक्शन अपने आप हो, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिएक्शन विच अकर ऑटोमेटिकली ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होगा, यानी कि केमिकल एनर्जी एनर्जी यानी कि बैटरी हमारा क्या होगा अपने आप क्या करता है एनर्जी देता है टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया, यानी बैटरीज हो गया इसके अंदर आ जाएगा, तो ये अपने आप रिएक्शन देता है। ठीक है, अब हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसको हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हो जाएगा, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक द रिएक्शन विच अकर बाय एक्सटर्नल एनर्जी और फोर्स, उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है कैसे होता है, सॉरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे होता है, क्या ये क्या करता है, इसके अंदर हमारा एक बीकर रहता है, दो बीकर है, इसके अंदर रॉड डाला जाता है। ठीक है, इस रॉड के थ्रू इसको वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो रॉड रहता है उसी का, अगर जिंक का रॉड है उसी का हम सोल्यूशन ले लेते हैं, अगर कॉपर का रॉड है उसी का हम सोल्यूशन ले लेते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये गेन करता है, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई होता है। फिर इसके अंदर देखेंगे आगे हम रिएक्शन के अंदर, ये कुछ समय बाद रुक जाता है तो फिर हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो ये जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एनर्जी जा रहा है कैसे जा रहा है, एक्चुअली यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ठीक है, और ये रॉड को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और जो सोल्यूशन रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन, तो हम ये देखते हैं, फिर हम रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन
किसको कहते हैं? व्हेन एटम और आयंस लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम्स वी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहें, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जैसे देखिए, जैसे जिंक से दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, जेडन प्लस दो इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। अगर कॉपर अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दो ऑक्सीडेशन के पास होगा। या कहीं पे अगर कोई, जैसे हमारे पास क्या है, Fe 2 प्लस है, ये फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ के Fe 3 प्लस होकर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इस तरह से अगर कोई Cu प्लस ही है, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया तो Cu 2 प्लस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। मतलब कोई आयंस है तो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या कोई न्यूट्रल एटम हो वो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो कोई भी एटम्स या आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि Fe ऐसा भी हो सकता है कि N 3 माइनस हो, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया हो, न्यूट्रल बन गया हो, ठीक है। या कहीं पर F माइनस हो, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज किया हो, F बन गया हो, यानी कि दो F देंगे तो यहाँ F2 बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस तरह से हम यहाँ पर दो देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और N2 बन जाएगा। तो कोई भी हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे न्यूट्रल एटम हो, चाहे माइनस हो, जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। द एटम और आयंस विच गेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा है Cu 2 प्लस, दो इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया? Cu में कन्वर्ट हो गया। या Cu 2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Cu में कन्वर्ट होगा, Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, चाहे आप दो ले चाहे एक ले, ठीक है। या कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और या कोई किसी के पास ऑलरेडी माइनस है किसी के पास, या एटम हो, आयंस हो, या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हमें कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे हम सल्फेट SO3 माइनस देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन और लेता है तो SO3 2 माइनस होगा, ठीक है। इस तरह से तो किसी का भी हो सकता है, मतलब तो कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास Cu2 प्लस F न्यूट्रल हो गया, आयंस हो गया, आप कोई भी निगेटिव ले, जैसे हम ले लेंगे कोई निगेटिव ले लिया, जैसे हम N लेते हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारा न्यूट्रल है, इसको एक माइनस ले लेते हैं, ठीक, एक माइनस और दे देंगे तो O2 माइनस हो जाएगा। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन लेता हो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। जो इलेक्ट्रॉन देता हो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यानी लूजिंग द इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अब देखते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स में क्या होगा? रिडॉक्स के अंदर क्या होगा कि, यानी कि यहां दो वर्ड्स हैं, रिडक्शन और यहां पर है ऑक्सीडेशन, ऑक्स। इसके अंदर दो चीज होगा, यानी अगर दोनों साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे हम जिंक का ही एग्जांपल देखिए, जिंक हमारा दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कॉपर अगर दो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Cu हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब क्या करते हैं हम, चार्ज दोनों को बराबर करते हैं, तो यहाँ पर जो जितना गेन करे उतना ही यहाँ पर क्या करे?
लूज कर रहा है, तो दोनों बराबर हो गए हमारा, तो कैंसिल कर देते हैं, ये लिख देते हैं जेड एन। अब क्या बच जाएगा, सी यू टू प्लस, और से हमको क्या बच जाएगा, जिंक टू प्लस, और यहाँ क्या बच जाएगा, सी यू। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तभी पॉजिटिव चार्ज आया है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। जानते ही ना, कोई एटम, कोई भी एटम ए है, अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस चार्ज आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन देता ही अगर एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज आता है ना, क्योंकि कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और एक ही चीज़ का क्या होता है, लेना देना आता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का लेना, तो इलेक्ट्रॉन लिया तो अगर हम क्या होगा, लोन लिया, नेगेटिव लिया, यानी कि नेगेटिव चार्ज लेगा, यानी कि लोन लेना का मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो क्या दिखाते हैं हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रल एटम होता है, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब उतना पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि ये इसमें से दो इलेक्ट्रॉन गया है तो दो पॉजिटिव डेवलप हो गया, दो इलेक्ट्रॉन लिया है तो न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो दोनों साथ साथ हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ आपका और रिडक्शन भी हुआ, तो ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसी के द्वारा जो आपका हम दिखाए थे बीकर के अंदर जो रॉड रखा हुआ था, उसके थ्रू एक लूज करता इलेक्ट्रॉन, एक गेन करता इलेक्ट्रॉन, उसी के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका एग्जांपल हम लोग डेनियल सेल के द्वारा देते हैं। जो डेनियल सेल में हमारा जिंक और कॉपर का ही रॉड लेते हैं, जो जिंक लेते हैं उसी का हम सोल्यूशन लेते हैं, कॉपर लेते हैं उसी का सोल्यूशन है, जिंक में हमारा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, कॉपर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, हम देखेंगे इसको आगे। तो ये हमारा हो गया, तो इस तरह से जो रॉक्स के द्वारा ये रॉक्स रिएक्शन हो गया, इसके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगा उसी में हम एनर्जी को हम लोग कैश कर लेते हैं और इनका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो हम सोल्यूशन इलेक्ट्रो जो हमारा सोल्यूशन है ये इसको जो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो कहते हैं हम लोग, द सोल्यूशन दैट कंटेन आयंस, द सोल्यूशन दैट contains ions is called electrolyte, ठीक। अब हमारा है electrode, ठीक है, जो rod use किए हैं, अब उसके बारे में देखते हैं electrode क्या है। जिसके surface पर reaction होता है उसको हम electrode कहते हैं, और अगर सरफेस भी भाग ले ले उसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसका सरफेस नहीं भाग ले उसको हम इनएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे जिंक में जिंक का सरफेस भाग लेता है, कॉपर में कॉपर का सरफेस भाग लेता है, लेकिन प्लेटिनम का रॉड डालें तो नहीं लेगा, अगर हम गोल्ड का रॉड डालें तो नहीं लेगा। तो ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड का लेगा, जो पार्टिसिपेट करेगा, जिसका सरफेस पार्टिसिपेट करेगा वो एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोड क्या है, जिसके सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है हमारा, क्योंकि जो हम वायर जोड़े थे हमारा, ये क्या हुआ था, ये वायर हम जोड़े थे, ये इसी के सरफेस, जिंक क्या होता है, इसमें जिंक निकलते जाता है और कॉपर सल्फेट जो इसके सोल्यूशन में चलते जाते हैं, तो जिंक ख़त्म हो रहा है, यानी कि इसका जिंक पार्टिसिपेट कर रिएक्शन में, और ये जो कॉपर सोल्यूशन था ये जमा होते चले जाते हैं इसके सर्फेस में, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक टूट रहा है और कॉपर जमा हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है ना, जब ये पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। जैसे अब फिर आगे हम देखेंगे सोल्यूशन में, जैसे गैसियस में उसमें हम प्लेटिनम का रॉड यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का निकालना रहता है तो हाइड्रोजन प्लेटिनम का रॉड यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बस इसके अंदर जो है प्लेटिनम के सर्फेस पर रिएक्शन होता है, इस पर ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता, इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है, लेकिन इसका जो है प्लेटिनम कभी टूटता नहीं है ना, इस पर कोई प्लेटिनम इस पे आता है। जो भी हम सोल्यूशन लेते हैं, जल्दी हम वन एस सी एल, वन एम एस सी एल सोल्यूशन लेते हैं और हाइड्रोजन के इसके अंदर डालते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है हाइड्रोजन का
रिडक्शन भी दोनों हो जाता है इसके अंदर, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जिंक टूटना शुरू हो जाता है और कॉपर यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह अगर जहाँ पर भी रिएक्शन ज़्यादा, जो रिएक्शन में जिसका आयंस टूट के निकल रहा हो या उसका आयंस जमा हो रहा हो किसी भी इलेक्ट्रोड का, जैसे जिंक है, जिंक का है जेजन टू प्लस के रूप में निकलना शुरू हो जाता है इसमें से रॉड में से, ये जेजन टू प्लस में से निकलना शुरू हो जाता है तो जिंक का रॉड पतला होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर कॉपर सल्फर सोल्यूशन, कॉपर इस पर जमा होना शुरू हो जाता है तो मोटा होना शुरू हो जाता है। इस तरह कहीं पर रिएक्शन हो रहा हो, क्या हो रहा होगा, वो वहाँ पर वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, और जहाँ पर कोई भाग नहीं ले रहा हो वो इनएक्टिव हो जाएगा कि नॉट इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, द रॉड एट विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आप एक्टिव इलेक्ट्रोड देखते हैं किसको कहते हैं, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड द रॉड एट विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर, रॉड एट विच सरफेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर एंड इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे आप जिंक ले लें, एजी ले लें, कॉपर ले लें, आप एफी ले लें, सब आपके क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड द रॉड एट विच सरफेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस बट रॉड डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोड देख लिए, ठीक हम लोग ऑक्सीडेशन देख लिए, हम लोग रिडक्शन देख लिए, ठीक है हम लोग इलेक्ट्रोलाइट समझ लिए। ठीक है, अब इसको यूज़ करके हम लोग अब हम देखते हैं कि अब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकलेगा। अब देखिए, जैसे हमारा क्या है, ये जिंक का रॉड है, जिंक रॉड है, इसके अंदर सॉल्यूशन है हमारा, वो किसका है, जिंक का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का लेते हैं। ठीक, ये जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा और ये यहाँ पर इसका जो है सल्फेट में जेड एन टू प्लस आ जाएगा, फिर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर जो है जेड एन टू प्लस आ जाएगा, फिर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर जो है ये जेड एन टू प्लस आ जाएगा। तो क्या होगा कि आपका ये इस तरह से हो जाएगा कि जो भी आपके पास जो है निगेटिव वाला पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन है आपके पास, वो क्या हो जाएगा, इस एक लेयर जाएगा, और जो भी प्लस चार्ज आपके पास है, यानी कि इसको ऐसे दिखाते हैं, जो प्लस 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 है वो हमारा क्या होगा, इस तरह से दोनों बाहर प्लस और अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि प्लस इधर भी जाएगा और प्लस इधर भी जाएगा, मतलब कि जेड एन टू प्लस इधर जाएगा, फिर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मान लीजिए हम ये चार ले लेते हैं, तो दो प्लस चार इधर ले लिए, दो प्लस चार इधर ले लिए, तो इसका दो इलेक्ट्रॉन
इसका दो इलेक्ट्रॉन इस साइड, इसका दो इलेक्ट्रॉन, इसका दो इलेक्ट्रॉन इस साइड हो जाएगा। तो अब क्या है कि इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, क्योंकि ये रॉड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो इस पोटेंशियल हम क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। इस क्या हमारा है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस, क्योंकि इस प्लस और माइनस के चलते जो यहाँ पर क्या होगा, एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब यही चीज़ अगर हम हमारा सल्फेट का रहता, जैसे हमारा सल्फेट है, ठीक है, तो सल्फेट कॉपर सल्फेट लेते हैं, ये कॉपर का है और ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर में क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो क्या करता है कि जैसे हम बताए थे कि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके अंदर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन आएगा इसके सरफेस पे, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सब क्या होगा, अंदर जाना शुरू हो जाएगा, Cu2+, Cu2+, Cu2+। इस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको लेने के लिए अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अंदर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर आपका जो होगा, इसको हम इस ढंग से दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा है, ये रॉड के ऊपर, अब ये प्लस प्लस ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब प्लस प्लस इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन को लेना था। ये जो आपका जो नेगेटिव आ रहा है वो सरफेस के ऊपर, इस तरह से नेगेटिव जो है इसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, इस नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में, यहाँ इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिफरेंस था, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव की डिफरेंस है, तो इसको भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमारा, क्योंकि ये इसका जो अंदर क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है, Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या रिएक्शन होता है, जिंक से Zn2+, ठीक है, यहाँ ये होता है, ठीक है। ये जिंक का केस हो गया, इधर ये कॉपर का केस हो गया। तो दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यानी कि जिसका ये जो आपके अंदर क्या है, नेगेटिव पर क्या होता है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और उसका क्या होता है, नेगेटिव, उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि रिडक्शन हुआ, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसी के चलते होगा, क्योंकि जो प्लस और माइनस के बीच में, और यहाँ पर प्लस और इस माइनस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हम कॉपर का भी लिए थे और जिंक का भी लिए थे, ठीक है। या इसी को जिंक ले लेते हैं, तो जिंक में क्या हो रहा था हमारा, ये जिंक दो प्लस बाहर निकला था तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो कॉपर 2+ सल्फेट से अंदर जा रहा था, तो ये क्या हो जा रहा है, ये अंदर गया प्लस 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 हो जाता था, इसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, ठीक है। क्योंकि सब कॉपर सल्फेट था हमारा, तो क्या होगा, कॉपर 2+ अंदर गया तो 2+ चार्ज अंदर आ गया, जो इलेक्ट्रॉन है इसके सरफेस पर आ जाता था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और जो जिंक है, क्योंकि अंदर जिंक 2+ सोल्यूशन के अंदर छोड़ देता है, ये सोल्यूशन जो आपका किसका रहता है, जिंक सल्फेट का रहता है, तो इससे में क्या होगा, तो ये जिंक 2+ बाहर आ गया तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, यानी कि ये हो क्या रहा है Zn2+ दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है जो कॉपर ये प्लस गया अंदर वो क्या किया दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया कॉपर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर Cu हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है सॉरी यहाँ पर क्या रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसको देखेंगे, इसको ऐसे भी सकते हैं क्योंकि अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड होता है, तो इसको दिखा सकते हैं कि लोन है, यानी कि लेफ्ट साइड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, एनोड इसको हम एनोड कहते हैं, और यहाँ पर निगेटिव होगा, यानी कि जो जो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये लेफ्ट साइड है और इसका निगेटिव, इसका निगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, और यहाँ पर इसको एनोड कहेंगे, इसको हम इस कैथोड, यानी कि ये लेफ्ट है तो ये राइट है, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन है, एनोड है तो कैथोड है, निगेटिव है तो पॉजिटिव है, इस तरह से दो इलेक्ट्रोड बनता है, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करता है क्या है, मेजर करता है टेंडेंसी किसका, तो ये इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करने का या गेन करने का, यहाँ कॉपर प्लस गेन कर रहा है और जिंक प्लस लूज़ कर रहा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम होता है टेंडेंसी टू इधर टू लूज़, या ऐसे भी कहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज़ मेजर द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे भी कह दे सकते हैं, या इट मेजर द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको और हम डिटेल से देखेंगे आगे, इस सेक्शन को हम यहीं लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद।